भाई सुनने वालों की तो गारंटी लेता हूं, और जो टाइम पास करने आए उनकी ना गारंटी ना वारंटी, उनका कुछ नहीं। आज की रात का ये तोहफा मैं इस सरजमीन को दे रहा हूं। जितनी मेरी बहनें मेरी माएँ बैठी हैं यहाँ, मैं चाहता हूँ कि ज़रा अपने कान के पर्दे खोल के ये सुन लें, क्योंकि आप लोगों ने पूरी रात सरकार की महफिल में जागकर गुजारी है। तो मैं ये जो आइटम पढ़ने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है बहनें, क्योंकि दोस्तों दुनिया में दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका कोई मिसाल ना थी ना होगी, एक माँ और एक बाप। मगर उसके बाद अगर आपकी तरक्की से कोई खुश होने वाला है या आपको गहक के दुआ देने वाला है तो वो सिर्फ बहन है। इतना भाइयों से भी वफादारी नहीं मिलती। आज के दौर में तो हमें देखने को यही मिल रहा है कि कोई पैसों के चक्कर में, कोई प्रॉपर्टी के चक्कर में भाइयों भाइयों में आपस में फूट पड़ी जा रही है। मगर सिर्फ वाहिद बहन ऐसी होती है कि जो परेशानी में रहे तो भी भाई को याद करती है, खुशहाली में रहे तो भी भाई को याद करती है। तो मुलाहिज़ा फरमाएं, ये आइटम नज़र कर रहा हूँ। जितनों की बहनें हैं वो तो इंशाल्लाह ज़रूर सुनेंगे इस कलाम को। जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं तवज्जो चाहूँगा। हमारी चोट पे हमारी चोट पे चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहने नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, अगर बहने नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। फिर इंस्पेक्टर साहब की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से मुझे नजराना आता हुआ है, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी चोट पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। और हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े जरूरी हैं, हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर यही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। क्यों? क्योंकि बचपन से जवानी तलक रोने नहीं दिया, आंसू से मुझको रुमाल भिगोने नहीं दिया, और कुर्बान जाऊं मैं मेरी बेटी की बातों पर, बेटी ने मेरा सर कभी झुकने नहीं दिया। बेटी ने मेरा सर कभी झुकने नहीं दिया। रिश्ते को अपने ऐसे बहना बहना हो मेरी बहना 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 हो मेरी दोस्तों। सिर्फ भाई थोड़ी देर को मोबाइल रख दो, बस सिर्फ सिर्फ 5 से 6 मिनट लूंगा, मगर तुम्हारी कसम अगर आंख में आंसू नहीं आए तो बात क्या है। शर्त यह है कि बस यहां से सुनना, कानों से नहीं, यहां से सुनना। रिश्ते को अपने ऐसे रिश्ते को अपने ऐसे निभाती रही बहने, रिश्ते को अपने ऐसे निभाती रही बहने, रिश्ते को अपने ऐसे निभाती रही बहने।
रिश्ते को अपने से निभाती रही बहने, हिस्से की अपनी रोटी, हिस्से की अपनी रोटी खिलाती रही बहने, हिस्से की अपनी रोटी खिलाती रही बहने, की अपनी रोटी खिलाती रही बहने। बहना बहना हो मेरी बहना, बहना 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 हो मेरी बहना, बहना 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 शेर सुने साहब। बुनियाद में था शामिल वालिद का पसीना, बुनियाद में था शामिल वालिद का पसीना। यहाँ एक नहीं, एक नहीं, कम से कम सौ चेहरे मेरे सामने ऐसे बैठे हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत गरीबी में देखा है और आज अल्लाह ने उनको सब कुछ अता किया है, मगर वो सिर्फ एक ही जात थी जो गरीबी में साथ थी और जब अमीरी का दौर आया तो वो अपनी ससुराल की हो गई। गरीबी के साथ ही सिर्फ बहन होती है। बुनियाद में था शामिल वालिद का पसीना, टूटे हुए घर को भी, टूटे हुए घर को भी सजाती रही बहने, टूटे हुए घर को सजाती रही टूटे हुए घर को सजाती रही बहने, टूटे हुए घर को। अक्सर अभी बात देखा है मैंने कि घरों में बहनें अक्सर डेकोरेशन के लिए वो कागज के काट काट के अलमारियों में बिछाती हैं, कभी कहीं फूल पत्तियाँ, जिनके घर कच्चे हैं वो लिपाई से, बहुत सारे तरीक़ों से बहने ही हैं। हम तुम तो कुछ भी नहीं करते हैं अलावा खाने के, या बहुत हुआ तो कमाने चले गए। बुनियाद में था शामिल वालिद का बाबा का पसीना, टूटे हुए घर को भी, टूटे हुए घर को भी सजाती रही बहने, टूटे हुए घर को भी सजाती रही बहने, तू बहना बहना हो मेरी बहना बहना, बड़े भाई नूर मोहम्मद साहब की जानिब से मुझे नजराना आता हुआ है, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए मगर शेर पढ़ा हूं। बाबा की डांट मुझ पे ना पड़ जाए इसलिए, बाबा की डांट मुझ पे ना पड़ जाए,
मैं भी उसमें शामिल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पांच बहनों से नवाजा है और उन पांच बहनों में मैं अकेला भाई हूँ। तो जो सबसे बड़ी सिस्टर हैं उन्होंने हमें औलाद की तरह पाला है। तो बहुत सारे दोस्त यहाँ पे ऐसे होंगे कि जिनकी बहनें उनके उनको औलाद की तरह प्यार करती हैं। इस शेर में मैंने जम किया है, बाबा की डांट मुझे पे ना पड़ जाए इसलिए दामन में मुझको अपने, दामन में मुझको अपने छुपाती रही बहने, दामन में मुझको अपने छुपाती रही बहने। अल्लाह अल्लाह आपके आंसुओं की लाज रखे परवरदिगार आलम। ये उनके यहाँ आंसू निकलते हैं कि जो यकीनन अपनी बहनों के यहाँ चाहने वाले बैठे हैं और यकीनन ये सब बहनों के अपने प्यार करने वाले बैठे हैं। जो रक्षाबंधन पर राखी बांधी जाती है वो ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है दोस्तों, बड़ा मजबूत धागा है वो, जो ता कयामत तक वैसे ही महफूज रहने वाला है। कयामत के बाद भी जब माँ दूध बख्शेगी, जब वहां पहचाने होंगी कि कौन कौन हमारा भाई है, कौन कौन बहने हैं, वो रिश्ता है वो। आइए शेर नजर करता हूँ। बहना बहना हो मेरी बहना, 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 ससुराल के रहे सीने में उनके जख्म तो ससुराल के रहे, हंस हंस के अपना दर्द, हंस हंस के अपना दर्द छुपाती रही बहने, हंस हंस के अपना दर्द छुपाती रही बहने, हंस हंस के अपना दर्द छुपाती रही बहने। अब प्रधान जी अब कहां कोई मेरे नाज उठाने वाला, अब कहां कोई मेरे नाज उठाने वाला, याद आता है बहुत हाथों से खिलाने वाला, अब कहां कोई मेरे नाज उठाने वाला, याद आता है बहुत हाथों से खिलाने वाला, उसकी आंखों से पहचान लिया है मैंने, उसकी आंखों से पहचान लिया है मैंने, खूब रोया है कोई मुझको हंसाने वाला, उसकी आंखों से पहचान लिया है मैंने, खूब रोया है बहुत मुझको हंसाने वाला, अब तो फूलों को भी छूते हुए डर लगता है, अब तो फूलों को भी छूते हुए डर लगता है, आज हर फूल है नश्तर ही चुभोने वाला, कोई बच्चा भी नहीं गांव में रोने वाला, कोई बच्चा भी नहीं गांव में रोने वाला, किसलिए शोर मचाता है खिलौने वाला। मैं भी तो पांच बहनों का एक भाई हूँ जुने, मैं भी तो पांच बहनों का एक भाई हूँ जुने, मैं भी तो पांच बहनों का एक भाई हूँ जुने,
रुखसत के वक्त मुझको रुखसत के वक्त मुझको रुलाती रही बहने रुखसत के वक्त मुझको सब बहन बेटियों वाले बैठे हैं और जिनके घर में बेटी हैं जरा वो ये शेर सुन लें जिनके घर में बहने हैं। पेड़ पर लगी मुझे भजन जो मुझे लेकर के आए हैं दोनों भाई, पेड़ पर लगी मुझे हर कली अच्छी लगी, क्या कहने वाह, पेड़ पर लगी मुझे बाप के लिए सारी बेटियां एक समान होती हैं और सारी बहनें हम लोगों के लिए एक बराबर होती हैं। पेड़ पर लगी मुझे हर कली अच्छी लगी, मुझको मेरी बेटियों की हर खुशी अच्छी लगी। पेड़ पर लगी मुझे हर कली अच्छी लगी, मुझको मेरी बेटियों की हर खुशी अच्छी लगी। रो रहे थे सब तो मैं भी रोने लगा, रो रहे थे सब सिसक कर तो मैं भी रोने लगा, वरना मुझको बेटियों की रुखसती अच्छी लगी, वरना मुझको बेटियों की रुखसती अच्छी लगी। दर्द क्या है सीने का पसलियां समझती हैं, दर्द क्या है सीने का पसलियां समझती हैं, बाप की गरीबी को बेटियां समझती हैं, बाप की गरीबी को बेटियां समझती हैं, बाप की गरीबी को बेटियां समझती हैं। रुखसत के मैं भी तो पांच बहन, एक भाई हूँ जुनैद, रुखसत के वक्त हमको रुखसत के वक्त हमको रुलाती रही बहने सुहान।